कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत से भारत में आएगी। अच्छा। राहुल गांधी पीएम बनेंगे, एमपी में कमलनाथ जी बैठेंगे। मध्य प्रदेश में तो सर कांग्रेस की सरकार ही बननी चाहिए अब। हाँ। जिस हिसाब से देश का विकास रुका हुआ है वो वापस चालू होगा। हाँ। बीजेपी मुक्त भारत बनेगा अब। हाँ। एमपी में कमलनाथ जी आएंगे। हाँ। केंद्र में हमारे राहुल गांधी जी बैठेंगे। राहुल 80 रुपए 85 रुपए कांग्रेस के टाइम में। हाँ। पेट्रोल था। हाँ। आज 120 रुपए 10 रुपए चल रहा है। महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी? टमाटर 200 रुपए किलो खरीद रहे हैं हम। इंडिया के अंदर इतना प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं घूमा होगा जितना मोदी जी घूमे। 110 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं हम लोग। हाँ। सिलेंडर 1150 रुपए ले रहे हैं। हाँ। उनकी श्रीमती ईरानी जो थी वो 450 में अलग फाड़ती थी पहले, और आज 1150 का 1200 का हम लोग सिलेंडर ले रहे हैं। चुप बैठी है, मौन व्रत रख लिया है उन्होंने। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां दोनों पार्टी शुरू कर दी है, यानी एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि फिर हम मध्य प्रदेश में 160 सीट जीतकर भाजपा फिर सरकार बना रही है। तो वहीं कांग्रेस से कमलनाथ जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो अभी हम जनता के बीच में हैं, जनता से जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में आप क्या सोच रहे हैं, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। आप क्या सोच रहे हैं सर, मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बने? मध्य प्रदेश में तो सर कांग्रेस की सरकार ही बननी चाहिए अब। हाँ। जिस हिसाब से देश का विकास रुका हुआ है वो वापस चालू होगा। हाँ। क्यों भाजपा विकास नहीं कर रही? वो तो कह रही है बहुत विकास। भाजपा का विकास देखा ही नहीं जा रहा, उत्तर की हालत तो देखिए जाके। हाँ। जो ब्रिज बना है वो ब्रिज बन ही रहा है जब से, करोत की हालत बेहाल है। हाँ। उससे ज्यादा और क्या देखेंगे आप? पेट्रोल के भाव देखो, सिलेंडर देखो, मामा बहनों का घर जा रहा है, भांजों को देख नहीं रहा है। भांजे ऐसे फिर रहा है वो देखिए। तो कह रहे अच्छे दिन आ गए, सबको रोजगार मिल। भांजों को रोजगार ही नहीं मिल रहा, भांजे ये बैठे हैं सब। हाँ। बिना रोजगार के। वो तो कह रहे मामा हम बच्चों को क्या, भगनों का ख्याल रख रहे हैं। वो सिर्फ भांजियों का ख्याल रख रहा है, भांजों को कोई देख ही नहीं रहा। हाँ। भांजों के लिए भी तो कुछ आना चाहिए। हाँ। हो सकता है चाचा आवाज उठा ले हमारे आगे कमलनाथ। अच्छा जी, तो कमलनाथ आएंगे लग रहा है इस बार, पक्के में आएंगे। भाजपा भी कह रही है 160 सीटें हम जीत रहे हैं। अब वो वोट बताएगा, वो तो अब राजनीति है कौन जीतता है कौन हारता है। बाकी हमारा सपोर्ट कमलनाथ को रहेगा। मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी यात्राएं कर रहे हैं अभी तो। यात्रा कर रहे हैं 18-18 घंटे काम कर रहे हैं जनता के लिए। क्या काम कर रहे हैं बताइए, क्या काम कर रहा है? नहीं, रेलवे बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं। कौन सा मेट्रो चालू होगा या? आप कह रहे हो काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है बताया कोई एक? वो तो कहते हैं 18-18 घंटे में देश की जनता के लिए काम करता हूँ। तो सोते नहीं है क्या? 6 घंटे में सोते होंगे। 18 घंटे तो घूमने में लगते होंगे, 6 घंटे सोते होंगे खाली। आप कह रहे हो काम कर रहा है, कोई विकास नहीं कर रहा है। तो पीएम सोच रहे बने सिर्फ घूमने के लिए पीएम बने, वर्ल्ड टूर कर लें, आज तक उन्होंने देश के बाहर कभी गए नहीं थे। पीएम बने जब से उनका आना जाना ही बंद नहीं है। अच्छा। जितना भी पब्लिक का जनता का पैसा है टोटल घूमने में तो खर्चा कर रहा है वो, और यहाँ महंगाई बढ़ा रहा है इंडिया के अंदर, और कुछ नहीं कर रहा है। अब तो फुल बहुमत है और कांग्रेस सरकार बनेगी, भाजपा मुक्त देश है। कांग्रेस पार्टी फुल बहुमत से भारत में आएगी। अच्छा। राहुल गांधी पीएम बनेंगे, एमपी में कमलनाथ जी बैठेंगे। अच्छा। फुल बहुमत से। आप क्या सोच रहे हैं मध्य प्रदेश में क्या होगा सर? कांग्रेस सरकार बन रही है मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी फुल बहुमतों से आ रहे हैं यहाँ पर, और नींद तो खैर उन्होंने जनता की हराम करके रखी है, खुद तो वो आराम से सो रहे हैं। और जो मामा कह रहा है कि मैं जनता के लिए जाग रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, नींद तो उन्होंने जनता की आराम करके रखी है। वो तो कहते हैं भगनों भांजों भांजियों का ख्याल रख रहा हूँ। अरे कहाँ भांजियों का ही रख रहा है, भांजों का तो नहीं रख रहा फिलहाल। वो तो मामा है, सबका ख्याल रखते हैं। नहीं नहीं नहीं, भांजों का तो बिल्कुल नहीं रख रहा। और उत्तर से तो हम चाह रहे हैं हमारे भाई को, बड़े भाई को टिकट मिले, नासिर इस्लाम साहब को ही जिताएंगे हम इंशाल्लाह उत्तर से। नासिर इस्लाम जिंदाबाद। सोच रहे हैं सर मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, इस बार क्या होने वाला है? इस बार कमलनाथ जी आने वाले हैं। हाँ। फुल बहुमत से सरकार कांग्रेस की बनेगी। भाजपा तो कह रही है खुद हम बना रहे हैं, 160 सीटें जीत रहे हैं। भाजपा का तो आप खुद देख रहे हैं कि महंगाई किस चरण पर पहुंच गई है। 110 रुपए लीटर पेट्रोल ले रहे हैं हम लोग। हाँ। सिलेंडर 1150 रुपए ले रहे हैं। हाँ। उनकी श्रीमती ईरानी जो थी
वो 450 में अलग फाड़ती थी पहले, और आज 1150 का 1200 का हम लोग सिलेंडर ले रहे हैं। चुप बैठी है, मौन व्रत रख लिया है उन्होंने। वही स्मृति ईरानी तो कह रही है कि सबसे जोशीले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके जैसा प्रधानमंत्री कोई बना ही नहीं। मोदी जी ने सिर्फ अपना विकास करा है खुद का, और देश घूमने की यात्रा निकाली है उन्होंने, वर्ल्ड घूम लिया उन्होंने वर्ल्ड। आज तक इंडिया के अंदर इतना प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं घूमा होगा जितना मोदी जी घूमे। आधे से ज्यादा देश की जनता का पैसा उन्होंने घूमने में लगा दिया। वो तो कह रहे अच्छे दिन आ गए, जनता टनाटन है। उनके अच्छे दिन आ गए ना, उनकी पार्टी के अच्छे दिन आ गए। हमारे तो बहुत बुरे दिन आ गए, हम तो महंगाई से जूझ रहे हैं। महंगाई है बहुत ज्यादा है, महंगाई कहाँ महंगाई है। 80 रुपए 85 रुपए कांग्रेस के टाइम में पेट्रोल था, आज 120 रुपए 10 रुपए चल रहा है। महंगाई बड़ी नहीं बड़ी, टमाटर 200 रुपए किलो खरीद रहे हैं, तो महंगाई तो बहुत ज्यादा है ना। बीजेपी तो टोटल एंड है, अब तो कांग्रेस आएगी और फुल बहुमत से आएगी। भाजपा तो कह रही है कांग्रेस मुक्ति भारत बन रहा है, बीजेपी मुक्त भारत बनेगा। अब एमपी में कमलनाथ जी आएंगे, केंद्र में हमारे राहुल गांधी जी बैठेंगे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? जी बिल्कुल। उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है आप खुद देख लिए, उनसे कितने लोग जुड़ रहे हैं, उनकी यात्रा से घबरा रही है बीजेपी। बीजेपी बौखलाई हुई है। अच्छा बिल्कुल। अच्छा फिर जी सर, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, क्या सोच रहे हैं इस बार, क्या करना है इस बार चुनाव में? बार हर बार की तरह इस बार भी, पिछले बार तो खैर चोट हो गई थी कांग्रेस के यहाँ, लेकिन इस बार चोट नहीं होगी। मध्य प्रदेश की जनता फिर से कांग्रेस को ही लाएगी। भाजपा तो कह रही है 160 सीटें हम जीत रहे हैं और आप कह रहे हैं कांग्रेस आ रही है। किन्ने बोला? भाजपा बोल रही है। तो उन्होंने दे ही दिया कि बिल्कुल रिजल्ट ही दे दिया, तो फिर चुनाव करवाई क्यों रहा है जब अगर भाजपा जीत रही है तो? नहीं वो तो कह रहे हैं कि चुनाव आएगा तो हम जीतेंगे 160 सीटें। हाँ चोटबाजी से जीत सकते हैं, और कुछ नहीं बीजेपी के पास। ईवीएम घोटाला कर सकते हैं वो लोग। आगे भी जो यहाँ पर कमलनाथ जी आ गए थे, उन्होंने सिंधिया को खरीद लिया। बीजेपी सिर्फ पैसों की और ईवीएम घोटाले की राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर सकती है। 2018 जीते थे, 2023 भी जीतेंगे। 2018 जीते थे, 2023 भी जीतेंगे कांग्रेस। कांग्रेस बिल्कुल पक्का। कांग्रेस तो खत्म हो रही है देश से, भाजपा के खत्म। देख लिया आप कर्नाटक में क्या हुआ कांग्रेस, इसलिए ये तो खुद डरे हुए। अभी शिवराज सिंह चौहान की जो रैली थी उसमें क्या हुआ, हजरा हुआ, मतलब जनता का ये सहयोग मिल लिया उन्हें, उससे परसेंटेज किसके बढ़ना है, कांग्रेस के। जनता फुल विरोध कर रही है। तो अगला मुख्यमंत्री कौन, कमलनाथ जी या शिवराज जी? कमलनाथ जी। कमलनाथ जी उनकी लाडली बहन योजना भी फेल हो चुकी है। 3 महीने पहले लाडली बहना योजना लेकर आ गए। पब्लिक को 1000-1000 रुपए में खरीदना है वो। सब समझ रही है पब्लिक, वोट तो अब कांग्रेस को ही डलेंगे और कमलनाथ जी एमपी में सीएम बनेंगे। बीजेपी तो सूपड़ा साफ है। क्या कह रहे? बीजेपी सूपड़ा साफ है। कर्नाटक में जैसे सूपड़ा साफ हुआ ऐसे एमपी में साफ होगा, और ऐसे ही आने वाले चुनाव में पूरे भारत से बीजेपी का सूपड़ा साफ होगा। अच्छा पूरे भारत में। अच्छा। अब हर जगह कांग्रेस की लहर चल चुकी है। राहुल आदरणीय राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें अमीर गरीब बेचारे मजदूर सब जुड़ चुके हैं। अच्छा। उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा है वो लहर से बीजेपी घबराई हुई है। अच्छा। वो लहर बहुत अच्छी चल रही है और बीजेपी उससे घबरा रही है, और ये टोटल ईवीएम घोटाले की राजनीति कर रही है या फिर अपने विधायकों को खरीदने की राजनीति कर रही है। नासिर इस्लाम साहब आएंगे। अच्छा उत्तर से? हाँ उत्तर से लिखी हुई है। अच्छा इंशाल्लाह बदलाव चाहते हैं हम तो, नासिर भाई को टिकट मिलेगा इंशाल्लाह, और मिलेगा ही वो तो जीतेंगे भी। जीतेंगे भी। अच्छा हाँ कांग्रेस चाहिए, कांग्रेस चाहिए बस। आप क्या कह रहे हैं? कांग्रेस चाहिए बस, कांग्रेस चाहिए। अच्छा कोई भी आ जाए। नासिर इस्लाम हमारे बड़े भाई, उनकी सरकार बननी चाहिए। अच्छा जी, क्योंकि उन्होंने सबको बहुत काम करवाया, विकास करवाया है, और जब भी हम उनके पास गए खाली हाथ नहीं है। हम चाहते हैं उत्तर से उनकी सरकार बनना चाहिए, उत्तर से विधायक उन्हें बनना चाहिए। जी सर, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? कुछ भी हो सकता है। हाँ। किसी की भी सरकार बन सकती है। अच्छा और कुछ कह ही नहीं सकते, राजनीति है, कब का पासा पलट जाए। तो मामा जी कैसा काम कर रहे हैं शिवराज मामा? अरे काम तो कोई भी नहीं कर रहा, काम तो कोई भी नहीं कर रहा। अब देखो आने वाले टाइम में क्या होता है। तो
अभी तय नहीं किए हैं कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है? बनाना तो कमलनाथ को है। अच्छा, कमलनाथ को। हाँ। क्यों, मामा जी अच्छे काम नहीं कर रहे हैं क्या? कहाँ कर रहे हैं अच्छे काम, वो तो कह रहे हैं कि डबल विकास हो गया, पूरा मध्य प्रदेश चमक रहा है, भोपाल चमक रहा है। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की नालियाँ नहीं बनी है, अभी रोड बना है, रोड के ऊपर मलबा डाला हुआ है, नालियाँ नहीं बनी है, कहाँ से विकास हो गया? हमारे घर के पास कहीं नहीं हो तो भोपाल के विकास की कहाँ से बात कर लें? तो आप क्या चाहते हैं, बदलाव हो या फिर मामा जी? बदलाव तो होना चाहिए, कोई भी आया बदलाव होना चाहिए, हमें कोई राजनीति का मतलब है, बदलाव हो बस। अच्छा, और हमारे घर के पास की नाली नहीं बनी तो हम किसको ऐसे कहते हैं कि बीजेपी सरकार है इतने सालों से, 15 साल हो गए, जब कुछ नहीं होता हमारे घर के पास का, तब तो हम कमलनाथ को चुनेंगे ना। तो अब देखना होगा मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। जनता से हमने बात किया है, जनता ने अपनी राय दे दी है, आपकी राय क्या है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। जय हिंद, जय भारत।